और दिल्ली गैंग रेप में आखिर कहां हुई लापरवाही, अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो शुरुआत पीड़ित लड़की और उसके दोस्त से ही होगी, बाद में पुलिस, पब्लिक और पॉलिटिकल क्लास इससे जुड़ते चले जाएंगे। दिल्ली गैंग रेप केस में पुलिस की कमियों और लापरवाही की जांच के लिए हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज उषा मेहरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। दिल्ली गैंग रेप केस में पुलिस की लापरवाही वारदात वाले दिन से ही शुरू हो गई। छह लोग एक महिला से रेप करते रहे और बस दिल्ली के पॉश इलाकों में घूमती रही। एक भी जगह बस का सामना सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस बैरिकेड से नहीं हुआ। अब वारदात के बाद बसों में चेकिंग बढ़ाई गई है, लेकिन तब काले शीशे, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट पर स्टेज कैरेज की तरह लोगों को ले जाने पर पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? 21 से 23 दिसंबर तक पुलिस ने आम लोगों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। ठंड के मौसम में वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्या इसे और संजीदगी से अंजाम नहीं दिया जा सकता था? ठंड के मौसम में पानी की बौछार और लाठी चार्ज से आसानी से बचा जा सकता था। सही ढंग से इस्तेमाल करने पर आंसू गैस से ही निहत्थे लोगों को मौके से भगाया जा सकता था। बाकी कार्रवाई चींटी पर तलवार चलाने जैसी लगी। हाल के दिनों में पुलिस ने जिस तरह से रामदेव, अन्ना और गैंगरेप पर प्रदर्शन को कुचला है, उससे लगता है कि पुलिस को अब भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। पूरे मामले में भारत का पॉलिटिकल क्लास भी कम लापरवाह नहीं रहा है। प्रधानमंत्री को पूरे एक हफ्ते बाद सुध आई और उन्होंने सिर्फ लिखित बयान जारी कर दिया। उसका असर नहीं होते देख प्रधानमंत्री ने कैमरे के माध्यम से अपनी बात सामने रखी। वारदात के 10 दिन बाद सोनिया गांधी को होश आया और उन्होंने कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। अगर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी वारदात के बाद तुरंत जाग जाते तो शायद स्थिति हाथ के बाहर नहीं जाती। विपक्ष ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की। बीजेपी से लेकर स्वामी रामदेव, अरविंद केजरीवाल सब सामने आ गए। लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की, कार पलटी और 26 जनवरी की तैयारी के लिए लाए गए लकड़ी के खंभों को जलाया। हद तो तब हो गई जब पुलिस के साथ बदसुलूकी में लड़कियां भी पीछे नहीं रही। छात्रों के बीच राजनीतिक दलों के आने से पुलिस को भी कार्रवाई के लिए ग्राउंड मिल गया। प्रदर्शनकारी वीआईपी एरिया में घुस गए। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में घुसे बिना भी प्रदर्शन कम असर वाला नहीं होता। पुलिस का दावा है कि गैंगरेप मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है, मगर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के जो 8 लोग पकड़े गए हैं, वो कांस्टेबल जिस तरह से घायल हुआ है वहां से नहीं बल्कि दूसरी जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं। अगर इन 8 लोगों में से किसी ने भी अगर सुभाष तोमर की मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार है तो हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर चमन भी जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त पीड़ित और उसके दोस्त पर कुछ भी कहना या लिखना संवेदनशील मुद्दा बन सकता है, मगर ये सच है कि दोनों को भी किसी तरह की कोई जल्दी तो जरूर थी, जिससे जो भी बस उन्हें मिली वो उसमें बैठ गए। 9:15 बजे तक DTC की बस भी उस इलाके में चलती रहती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।